ओके ट्रिपल सी का ये जो टॉपिक आप लोग देख रहे हैं जिसका नाम है कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट, इस टॉपिक को नॉर्मली लोग नहीं पढ़ते क्योंकि ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल बेस्ड है, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट में छुड़वा दिया जाता है, लेकिन आप लोगों को ये जानना जरूरी है बिकॉज इससे काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे बच्चे जानते हैं। और ये भी आप लोग अगर ट्रिपल सी का पहले एग्जाम दिया होगा तो बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा कि इंटरनेट से जुड़े हुए बहुत क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इंटरनेट के ये वो क्वेश्चंस नहीं है जो आप सोच रहे हैं कि ईमेल आईडी और सर्च और ऐसा कुछ है, ये कम्युनिकेशन और इंटरनेट के साथ मिक्स है। तो आज हम लोग उसी पे डिस्कस करेंगे और आप लोगों को आज उस टॉपिक को क्लियर करेंगे जो कि नॉर्मली लोगों के पास नहीं है। देखिए इसमें सबसे पहला टॉपिक है कि कंप्यूटर नेटवर्क्स होते क्या हैं। तो अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स हैं और उनको आपस में एक दूसरे से आपने कनेक्ट किया है ताकि उनकी एक की जानकारी दूसरे को भेजी जा सके और आपस में बहुत सारे डिवाइसेस शेयर किए जा सके, प्रिंटर, स्कैनर, ये सब, तो ये सब मिलकर बनाते हैं एक कंप्यूटर नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब है दो से ज्यादा कंप्यूटर को आपस में जोड़ना ताकि एक दूसरे से डेटा भी शेयर कर सकें और डिवाइसेस भी शेयर कर सकें। आप लोगों को स्क्रीन पर यहाँ दिखाई दे रहा होगा ये कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। हमारे पास स्क्रीन पर एक कंप्यूटर, एक लैपटॉप है, एक डेस्कटॉप भी है और कुछ और भी लैपटॉप्स और डेस्कटॉप्स हैं। इन सबको हमने जोड़ दिया है, या तो वायर के थ्रू जोड़िए और आजकल वायरलेस हॉटस्पॉट भी आ गए हैं, आप उनके थ्रू भी जोड़ लीजिए। अगर आपने एक कंप्यूटर में इंटरनेट लगा दिया तो वो सभी कंप्यूटर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। एक पर अगर फैक्स या प्रिंटर लगा है तो वो सभी पर एक्सेस किया जा सकता है। इसी को हम लोग कहते हैं नेटवर्किंग। ये काफी अच्छा है क्योंकि इसमें कॉस्ट एफिशिएंट होता है, आपकी लागत कम हो जाती है। आपको अगर आपके लैब में 10 कंप्यूटर्स हैं तो 10ों के लिए अलग अलग प्रिंटर लेने की जरूरत नहीं है, आप एक प्रिंटर लीजिए और बाकी सब 10 के साथ शेयर कर लीजिए, तो ये बहुत अच्छा मेथड है। तो नेटवर्किंग बहुत जरूरी होती है, आजकल के सभी जगह पे नेटवर्किंग का इस्तेमाल किया जाता है, बिना नेटवर्किंग के आप बड़े ऑफिस को संभाल नहीं पाएंगे। चलिए देखते हैं नेटवर्किंग से जुड़े हुए कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज। नंबर सेकंड टॉपिक में आता है नेटवर्किंग में इस्तेमाल होने वाले सारे कंपोनेंट्स, जिसमें है आपके सामने एक सर्वर, क्लाइंट्स, ट्रांसमिशन मीडिया, नेटवर्क एडॉप्टर, रिसोर्सेज, यूजर्स एंड प्रोटोकॉल्स। ये सारे वो शब्द हैं जो नेटवर्किंग से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले है सर्वर। सर्वर वो कंप्यूटर्स है जो सभी नेटवर्क के सभी कंप्यूटर्स की फाइलें स्टोर करता है और सबको अपनी सेवाएं देता है। अगर एक बड़े ऑफिस में काम करते हैं तो बड़े ऑफिस में एक सर्वर बना दिया जाता है जिसमें कि सारे डेटा रखे जाते हैं। क्लाइंट्स अलग अलग छोटे छोटे कंप्यूटर्स हैं जिनको ऑपरेटर चलाता है और सर्वर से डेटा लेता है, उस पर काम करके दोबारा सर्वर पे ही सेव कर देता है। इनके अंदर कम पावर होती है सर्वर के कंपेरेटिव। ट्रांसमिशन मीडिया, ट्रांसमिशन मीडिया का मतलब होता है वो माध्यम जिसके द्वारा डेटा लाया और भेजा जा सके। ये कई तरीके से डिवाइडेड है। पहला है वायर्ड, जिसको आप लोग बाउंडेड भी कहते हैं, जिसमें आता है ट्विस्टेड पेयर वायर, कोएक्सियल वायर और ऑप्टिकल फाइबर। ये आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये है, ये कोएक्सियल वायर है। इसको बिल्कुल उसी तरह समझिए जैसे आपके यहाँ डिश की तार आती है, आपके सेट ऑफ बॉक्स में लगती है, तो उसके अंदर एक तार होता है, उसके ऊपर से चारों तरफ से कवर्ड होता है। ये ट्विस्टेड पेयर है, ये इस तरीके से समझ सकते हैं। ट्विस्टेड पेयर वायर टेलीफोन वायर्स होती हैं जो दो तारे होती हैं अंदर सिर्फ। और ये ऑप्टिकल फाइबर्स है, ये आजकल के लेटेस्ट है, इसके अंदर खूब सारा लच्छी निकलेगी वायर्स की। ये सब तार इस्तेमाल होती है जो कि आप लोगों की कंप्यूटर्स में वायर्ड नेटवर्क के लिए यूज होती है। अगर आप ऑफिस को वायरलेस बनाना चाहते हैं तो आप लोगों को वाईफाई, ब्लूटूथ और ट्रांसमीटर रिसीवर, इस तरह के शब्द सुनने को मिलेंगे। हम लोग जैसे फोन से फोन वाईफाई हॉटस्पॉट से कनेक्ट करते हैं तो वो भी एक नेटवर्क बनाता है जो कि एक प्रकार का वायरलेस है। तो ये चीजें आपको जानना जरूरी होंगी। नेक्स्ट वर्ड जो आप लोगों के लिए है वो है कम्युनिकेशन में नेटवर्क एडॉप्टर। नेटवर्क एडॉप्टर को NIC भी बोला गया है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये एक बार पूछ लिया गया था, NIC का फुल फॉर्म। ये वो कार्ड्स होते हैं जिनके थ्रू आप लोग डेटा भेज और पा सकते हैं।
ये पहले तो इनबिल्ड नहीं आते थे, आजकल लैंड कार्ड इनबिल्ड आता है, इसीलिए इसको अलग से नहीं लगाना पड़ता, वरना आप लोगों को पहले के पुराने कंप्यूटर्स में नेटवर्किंग कार्ड या लैंड कार्ड लगाना पड़ता था। दिखा देते हैं कैसा होता था नेटवर्किंग कार्ड या लैंड कार्ड, इसे एनआईसी भी कहते हैं। और अगर आपको कई कन्वर्ट करने या कई नेटवर्किंग से आपस में जोड़ना है तो आपको ये अलग से लगाना पड़ेगा। इसमें पीछे ये जो पोर्ट देख रहे हैं ये लैन केबल के लिए लगा हुआ है, इस पोर्ट को हम RJ45 कहते हैं। आजकल वायरलेस लैन कार्ड भी आते हैं जिसमें कि तार की जरूरत ही नहीं होती है, ये आपके सीपीयू में प्लग हो जाते हैं और बस ये दूसरे सर्वर या दूसरे वाईफाई अडॉप्टर से कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये भी एक अच्छा तरीका होता है कंप्यूटर्स को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए। और आपके लैपटॉप में भी लैन कार्ड इनबिल्ड होता है, आपको उसके लिए अलग से कार्ड इस तरीके का माउंट नहीं करना पड़ता। तो ये एनआईसी के नाम से या नेटवर्क कार्ड के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है रिसोर्सेस। रिसोर्सेस का मतलब होता है कंप्यूटर्स के वो सारे जुड़ने वाले एसेसरीज जो दूसरे कंप्यूटर्स या दूसरे नेटवर्किंग के लिए जरूरी है या उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए प्रिंटर, अगर आपके पास एक प्रिंटर लगा है तो सिर्फ एक कंप्यूटर में चलेगा, लेकिन अगर आपने प्रिंटर को नेटवर्क में लगा दिया तो उसका फायदा सभी कंप्यूटर्स को इस्तेमाल में लाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं, जैसे स्क्रीन पर अगर आप देख रहे होंगे तो ये सारे नेटवर्किंग में आपस में कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं। अगर किसी एक कंप्यूटर में यहाँ पर प्रिंटर में कनेक्ट कर दूं या लगा दूं तो आप लोगों का सारे कंप्यूटर्स जितने हैं वो सिर्फ इसी प्रिंटर का इस्तेमाल कर पाएंगे, वो और किसी को अलग से इंडिपेंडेंट प्रिंटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां से बैठा यूजर 4 भी प्रिंट कर सकता है एक ही प्रिंटर को, तो इससे कॉस्टिंग कम हो जाती है, क्योंकि आप अगर 10 कंप्यूटर लगाएं तो 10ों के लिए अलग अलग प्रिंटर अलग अलग स्कैनर की जरूरत नहीं पड़ेगी, सबके लिए अलग अलग इंटरनेट नहीं चाहिए, एक में कनेक्ट करिए बाकी सब शेयर कर लीजिए। तो यह अच्छा और इजी मेथड है आपके नेटवर्क के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने का। नेक्स्ट है यूजर और क्लाइंट्स। क्लाइंट्स वो हैं जो कि आप लोगों के मेन कंप्यूटर से जुड़ते हैं और सारी सेवाएं यूज करते हैं। नेक्स्ट है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है वो रूल्स जिससे कि आपके सारे कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो। जस्ट इसके पहले वाली क्लास में आपको बताया गया था कि हम कई प्रोटोकॉल्स के द्वारा कंप्यूटर कनेक्ट करते हैं, स्टार ट्रोपोलॉजी, स्टार प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं, बस, रिंग, ये सभी अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं, वो नियम हैं जिनके द्वारा हम लोग आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करके डेटा भेजते और पाते हैं। ये एरिया वाइज अलग अलग रहता है, ट्रोपोलॉजीज वाइज अलग अलग रहता है। तो ये सब वो वर्ड्स हैं जो कि आपके नेटवर्क कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं। चलिए आगे के चैप्टर्स में देखते हैं हम लोग। अगले चैप्टर्स में बताया जा रहा है कि कैसे इस्तेमाल या क्या क्या फायदे हैं आपके कंप्यूटर नेटवर्किंग के। हम कंप्यूटर्स को कंप्यूटर से जोड़ रहे हैं, उसका सबसे बड़ा क्या फायदा है। बहुत सारे फायदे हैं जिनमें सबसे बड़ा फायदा तो आपको दिखाई देता होगा कि आप एक कंप्यूटर से हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन शेयर कर लीजिए। अगर आपके ऑफिस में 10-20 कंप्यूटर लगे हैं तो सबको अलग अलग इंटरनेट देने की जरूरत नहीं है, एक हाई स्पीड इंटरनेट लगा लीजिए और उससे 10-20 कंप्यूटर को कनेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट, ये कई बार पूछा गया है, इंटरनेट रिले चैट, इसका भी इस्तेमाल कर लीजिए। इंटरनेट रिले चैट का मतलब है IRC एक ऐसा चैट टेक्नोलॉजी जिससे कि आपके अगर 20 एम्प्लॉयज बैठे हैं तो आपस में बात करने के लिए उनको बार बार उठकर आने की जरूरत नहीं है, वो अपने सिस्टम से ही चैट कर ले और दूसरे पे मैसेज भेज दें। अगर ऊपर नीचे कई मंजिल में लोग बैठे हुए हैं तो अगर बॉस से कुछ पूछना है या बॉस को सभी को बताना है तो वो IRC इस्तेमाल करता है और अपने सभी एम्प्लॉयज को मैसेज भेज देता है, सभी की स्क्रीन पे डिस्प्ले आ जाता है। तो ये आसान है, सभी को बार बार बुलाने के डेस्क पे लाने की जरूरत नहीं। दूसरा, आप लोग इसकी मदद से प्रिंटर और स्कैनर शेयर कर सकते हैं, आप लोग सॉफ्टवेयर सेव कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ये भी बहुत यूजफुल है। जैसे मान लीजिए आपके ऑफिस में बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं और टेली सॉफ्टवेयर सबको इस्तेमाल करना है, आप सभी के लिए अलग अलग टैली खरीदेंगे तो बहुत कॉस्टिंग आ जाएगी। आप एक मल्टी यूजर टैली खरीद लीजिए और सभी के कंप्यूटर्स में इंस्टॉल करा लीजिए, तो एक कंप्यूटर में कोई भी चलाएगा या 10 में चलाएंगे, खर्चा एक ही टैली का आएगा, लेकिन इस्तेमाल सभी कर लेंगे। आप लोग इसकी मदद से बहुत सारी फाइल शेयर कर सकते हैं, आप लोगों ने एक वीडियो क्लिप यूज किया, रन किया, इमेजेस दी, सबके पास शेयर कर ली, बार बार आपको अलग अलग नहीं देने की जरूरत है। आप लोगों को सबसे बड़ा फायदा ये रहता है कि आप बहुत सारे लोगों की अलग अलग इन्फॉर्मेशन एक ही जगह से स्टोर करके ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास मेन कंप्यूटर ये है जिसे हम लोग सर्वर कह रहे हैं, इसी में सारी इन्फॉर्मेशन हमने डाल दी। अब कोई कस्टमर आता है, वो User 1 यानी इस कंप्यूटर से अपनी जानकारी देखना चाहता है तो वो यहाँ से भी देख सकता है, वो चाहे तो User 2 से भी जाकर यहाँ से भी देख सकता है। जैसे बैंक्स हैं,
तो बैंक में ऐसा नहीं है कि जिस काउंटर में आपने पैसे जमा किए उसी काउंटर से आप लोग पैसे निकालेंगे। आप दुनिया की किसी भी कोने से निकाल सकते हैं क्योंकि वो मेन कंप्यूटर में जाके सेव हो गया है, वो कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। तो ये फायदा है आपके नेटवर्किंग के इन सारे यूजेस का। अगला टॉपिक जो हमारे पास नेक्स्ट आता है वो है कंप्यूटर्स में नेटवर्किंग कितने प्रकार की होती है। तो कंप्यूटर की नेटवर्किंग को हमने कई अलग अलग प्रकार से डिवाइड किया है। सबसे पहले तो हमने कंप्यूटर नेटवर्किंग को डिवाइड किया है उसके ज्योग्राफिकल स्केल, यानी कितनी दूरी है, कितने प्रकार के कनेक्शंस हैं, उनके बीच में फंक्शंस कैसा है और कौन कौन सी टोपोलॉजीज यूज की जा रही हैं, उनके आधार पर हमने कंप्यूटर्स की इस टेक्नोलॉजी को यूज किया है। क्लासिफिकेशन फिर हम लोगों ने स्केल के आधार पर किया, जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर कंप्यूटर्स में नेटवर्किंग जो की जा रही है वो ज्योग्राफिकल हिसाब से है तो हम लोग देखेंगे अगर छोटा नेटवर्क है तो लैन कहेंगे, थोड़ा बड़ा है तो मैन, वैन, इंट्रानेट, ये सब अलग अलग ज्योग्राफिकल रेंज के हिसाब से। जो छोटे नेटवर्क्स हैं उनको लोकल एरिया, बड़े नेटवर्क को वाइड एरिया नेटवर्क्स कहा गया है। इसी तरीके से अगर कनेक्शंस के हिसाब से देखना जाए तो कनेक्शंस के हिसाब से हमने अपने नेटवर्क में कौन कौन सी केबल्स लगाई हैं। अगर बिना केबल का नेटवर्क है तो हम कहेंगे वायरलेस नेटवर्क है, केबल के थ्रू लगा रखा है तो एथरनेट है, बड़े या बहुत हाई स्पीड नेटवर्क पे काम कर रहे हैं तो हमें फाइबर ऑप्टिक्स या ऑप्टिकल फाइबर्स की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट अगर आर्किटेक्चरिंग के हिसाब से देखा जाए तो हम लोगों ने नेटवर्क आर्किटेक्चरिंग जो यूज की गई है वो हम लोगों ने एक्टिव नेटवर्किंग, क्लाइंट नेटवर्किंग, पीयर टू पीयर्स, इस तरह की नेटवर्किंग का इस्तेमाल किया है। और साथ ही साथ ट्रोपोलॉजीज के बीच में देखा जाए तो हम लोग किस तरह के नेटवर्क ट्रोपोलॉजीज यूज करना चाहते हैं, बस, रिंग, स्टार, हिराचिकल, ये सारी यूज की गई। तो हमारे नेटवर्क अलग अलग तरीके से विभाजित हैं, अलग अलग तरीके से यूज किए गए हैं, तो ये जरूर आप लोग नोट कर लें, ये काफी काम के हैं। इसको समझना आसान है, आप अगर आप स्क्रीन पे देखें तो आपको समझ आ रहा होगा। ये पहला वाला जो है ज्योग्राफिकली से डिवाइडेड है इस वाले पोर्शन में, कनेक्शन मेथड के हिसाब से डिवाइडेड है इस पोर्शन में, फंक्शनल आर्किटेक्चर्स के हिसाब से डिवाइडेड है इस पोर्शन में, और ट्रोपोलॉजीज के हिसाब से डिवाइडेड है इस तरीके से।